हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 5 दैट इज स्टेट ऑफ मैटर एंड इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस सम टॉपिक्स रिलेटेड टू द गैसेस लॉज. ठीक है, सम ऑफ द लॉज वर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलेर्स लॉ, अवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन. सो इन दिस वीडियो we are going to discuss the kinetic theory. Particles are very small and the volume occupied by them is negligible. चलिए बात करते हैं. सपोज वी हैव अ कंटेनर एंड वी हैव फिल्ड द गैस इन द कंटेनर. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज मच मोर लेसर देन दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस पार्टिकल इज मच मोर लेसर देन दैट ऑफ द कंटेनर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो अट्रैक्टिव फोर्स. There are no attractive force between the particles. At normal temperature and pressure. ठीक है, there are no attractive force between the particles at a normal temperature and pressure, ordinary temperature pressure. Because अगर हमारे पास एक कंटेनर था और यहां पर ये पार्टिकल थे तो इनके पास कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है. जब तक ये कोलाइड नहीं करेंगे या फिर तब तक ये पास पास नहीं आएंगे जब तक हम इनको प्रेशराइज ना करें. अगर हम इनको प्रेशराइज ले छोटे कंटेनर में लेकर के आए देन दे विल गेट क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आएंगे. और ठीक है, जब प्रेशर करते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, इफ इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, बॉयल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड द गैस लिक्विफाइड तब जाकर के लिक्विफाइड होता है. यानी कि नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के बिटवीन कोई अट्रैक्टिव फोर्स, मिजरेबल अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज ऑल द पार्टिकल आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन. ठीक है, सपोज दीज आर द पार्टिकल, ये हमेशा रैंडम मोशन में रहेंगे. ठीक है, रैंडम मोशन. और नेक्स्ट आएगा दे कोलाइड, एज द रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन. ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन जब करेंगे तो टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, और यहां पर मैं लिखता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट रहता है, रिमेन कॉन्स्टेंट. सपोज इफ टू पार्टिकल कोलाइड्स ईच अदर, आपस में अगर कोलाइड करते हैं देन दे विल ट्रांसफर देयर एनर्जी. ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगा. जब कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा तो वहां पर होगा क्या,
दे विल ट्रांसफर द एनर्जी. सपोज दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज द सेकंड मॉलिक्यूल. सेकंड मॉलिक्यूल का एनर्जी जाएगा डाउन, फर्स्ट का जाएगा डाउन और सेकंड जाएगा हाई, बट लूज कोई एनर्जी का नहीं होगा. ठीक है, यानी कि जो कोलोइड था, द कोलिजन विल बी प्योर इलास्टिक. द कोलिजन विल बी प्योर इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन होगा, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. The different particles will have different energy. सबके पास अलग अलग एनर्जी होगी, but average kinetic energy will be constant. ठीक है, विल बी कॉन्सेंट, वो अभी समझा. ठीक है, तो ये कुछ पोस्टुलेट थे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के. ठीक है, इनको डिस्कस कर लिया हमने. आप इनको इसको लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ता है. जब तक टेम्परेचर या प्रेशर नहीं बढ़ाओगे तब तक काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. जब तक हम कोई अल्टर नहीं करेंगे गैस के अंदर, कंटेनर के अंदर, तब तक यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. चलिए, तो ये तो था आपका थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट, इसको आप पढ़ लेना. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं. चलिए, चलिए ये हुआ आपका, तो डिस्कस करते हैं अब डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. आइडियल बिहेवियर मीन्स डेविएशन फ्रॉम पी डिस्कस तो है ना, आइडियल बिहेवियर. आइडियल गैस क्या फॉलो करता है? आइडियल गैस फॉलो करता है पीवी इक्वल्स टू एन आर. ठीक है बेटा, PV इसको ग्राफ बना दे रहा हूं. यहां पर टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, PV पूरा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है. T बढ़ेगा तो PV भी बढ़ेगा, या फिर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखूं या फिर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वी नो दैट पीवी इज टू कॉन्स्टेंट. पीवी तो कॉन्स्टेंट था तो कॉन्स्टेंट ही रहना चाहिए टेम्परेचर. लेकिन यहां पर टेम्परेचर भी अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है तो पीवी भी कॉन्स्टेंट रहेगा, तो पीवी यहां पर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, बट कुछ गैसेस के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाती है. कुछ गैसेस के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाती है. ठीक है, ये हो गया. तो यहां से क्या हुआ, आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोस्टुलेट, अगर P और V, वही आपका बॉयल्स लॉ लग रहा है, अगर P और V, P बढ़ाओगे तो V घटेगा, P सबसे ज्यादा है तो V यहां है. ठीक है, P
पी घटाओगे तो पी बढ़ेगा, ठीक है। और ये हुआ आइडियल बिहेवियर, ये वाला आपका आइडियल बिहेवियर है और ये आपका रियल है। इसका रीजन देख लो क्या है, एक गैस कंटेनर मैंने ली, मैं कितना भी प्रेशराइज कर लू कुछ ना कुछ तो उसका वॉल्यूम होगा, जो कि ये रियल वाला शो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो उसका वॉल्यूम होगा ही, ठीक है, बिल्कुल जीरो तो जाएगा नहीं। इसका कहने का मतलब क्या था, एक्सट्रीम प्रेशर पर वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए, इसका मतलब कहने का यही तो है। तो एक यहां हो गया, ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं करेक्शन की, ठीक है। यहाँ पर दो पोस्टुलेट जो हमने काइनेटिक थ्योरी में डिस्कस किए, उनमें दो में थोड़ा सा दिक्कत है। कौन सा? तो सबसे पहला है, तो सबसे पहला है हमारा वो है जो स्पेस है, द वॉल्यूम, द ऑक्यूपाइड स्पेस, स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी कि जीरो भी हो सकता है अगर एक्सट्रीम प्रेशर करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज प्रेशर में एग्जिस्ट करेंगे। सपोज आपने ये था, यहां पर ये कंटेनर था, कंटेनर पूरे कंटेनर के अंदर पार्टिकल फैले हुए थे, आप उसको कंप्रेस कर लिया था अपने गैस को, और कंप्रेस करके सपोज इतने एरिया में आप उसको लेकर के आ गए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो गेट करेगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो क्या करेगा, घेर के रखेगा, ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि जो पीवी सस्तु एनआरटी है उसके अंदर करेक्शन होगा, ठीक है। करेक्शन क्या होगा, जो वी है एक्चुअल, ठीक है, करेक्ट, जो V आएगा वो जो टोटल वॉल्यूम है, यहां पर हम वॉल्यूम कौन सा मीजर करेंगे, यहां पर मीजर करो वॉल्यूम फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वॉल्यूम अगर ये था तो जो सही वाला आएगा V करेक्ट, मैं इसको लिख देता हूं, V करेक्ट जो आएगा टोटल वॉल्यूम जो था उसमें से आपका कुछ घटेगा, और जो वॉल्यूम घटेगा ये वॉल्यूम डिपेंड करेगा डेंसिटी पे, किस पे करेगा, डेंसिटी पे, ये मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पे, और वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एन इनटू वी, दी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो वी जो हमारा बचा है वो कितना आएगा, बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे, बड़ा जो था टोटल कंटेनर का उसमें छोटा घटा रहे, ये वाला एन बी, वी माइनस एन बी, तो वी करेक्ट क्या आएगा, वी माइनस एन बी, वी क्या आएगा, वी माइनस एन बी, ठीक है। चलिए सेकंड था हमारा कि प्रेशर जो होगा गैस जो है ऑक्यूपाई करेगी, और गैस का जो है ना इलास्टिक कोलिजन होगा, और इलास्टिक कोलिजन होने पर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। एक बात बताइए यहां पर, ये जो पार्टिकल है ये चारों ओर में अपना फोर्स लगा रहा है, चारों तरफ से प्रेशर, चारों तरफ प्रेशर की प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि वो अल्टरनेटिवली कर रहा है, लेकिन जो पार्टिकल यहां पर हिट करेगा और हिट करने के बाद वापस बाउंस बैक होकर के जाएगा, तो वो जो एक साइड वाला एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको कैसे काउंट करेंगे, वो एड होना चाहिए। तो पी करेक्ट क्या होगा, पी करेक्ट इक्वल्स टू जो पी प्रीवियस था और जो नया पी आया, तो नया पी आया उसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के स्क्वायर के। जो वॉल के पास पार्टिकल्स का डेंसिटी है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर मैं पी वी सॉरी डेंसिटी के स्क्वायर के हो गया, ठीक है, अगर मैं इसको वन मोल के लिए था फोर वन मोल, ठीक है, एज वी नो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी वन मोल के लिए, और एन मोल के लिए डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी, तो यहाँ एन अपॉन वी स्क्वायर आ गया, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और पी इक्वल्स टू द बी इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, बी इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है,
directly proportional to this. अगर मैं कहूँ इसको b इक्वल्स टू बी एन इंटू बी अपॉन बी, ये n मोल के लिए आ गया तो b का वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये तो उल्टा हो गया, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। इतना तो हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रेशर जो है डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एज वी नो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, देन पी वन अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं इसको यहां से डी इसका टू बी अपॉन बी, तो बी अपॉन बी कर दिया, ये फोर वन मोल एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, पी डी का वैल्यू होने के बाद एन बी एस कर रहा है ना, ठीक है। पी वन अपॉन बी ये वन मोल के लिए है, आप इसको ऐसे कर लें, और पी इक्वल्स टू ए ये एन मोल के लिए है, फॉर एन मोल तो क्या आ जाएगा, ये रखेंगे पी की जगह पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो पी करेक्ट आपका आएगा ये वाला, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी जो बनेगा, p की जगह रखो p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है बेटा। ये आपका पोस्टुलेट बनेगा करेक्ट का, ठीक है। एक यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आएगा जो कि होता है पी वी स्क्वायर एन आर टी, देखा ना हमने, तो पी वी अपॉन एन आर टी एक कॉन्स्टेंट मानेंगे जेड ई आर, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी इसको डिस्कस करेंगे, कल दोबारा भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। और इसको क्या करेंगे फिर नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट थ्योरी ऐड करके इसको कंप्लीट करके इसका क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोबारा देख लीजिए, पोस्टुलेट में था कि स्पेस जो या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, मान लें नेग्लिजिबल है टोटल वॉल्यूम के केस में जो हमने कंटेनर लिया, लेकिन हम उसको कंप्रेस करके यहां तक लिया है, तो यहां तक लिया है तो मूवमेंट के लिए केवल ये स्पेस बचा, पूरा स्पेस नहीं बचा, तो जो मूवमेंट के लिए स्पेस है वो हमको डिटरमाइन करना है। तो मूवमेंट के लिए स्पेस टोटल माइनस छोटे वाला स्पेस, टोटल करेक्ट स्पेस टोटल माइनस छोटे वाला क्यों, क्योंकि डेंसिटी ये नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम, ठीक है। बात आई करेक्ट प्रेशर की, तो प्रेशर यहाँ जो लगेगा वॉल के पास, जो प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा वो डेंसिटी, वॉल के पास कितने डेंसिटी है पार्टिकल का उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एंड डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ये आ गया वन मोल के लिए, एन मोल के लिए आया तो ए इसका कंपोनेंट होगा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, जब ये हुआ तो पी ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर ये एड हो चुका है यहाँ पर और बी वाला ये था, तो ये ठीक है। चलिए आज के लिए नहीं, बाकी एक उस क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर के, कोशिश कर रहे हैं कि पहले खत्म हो जाए तो वन बाई वन एक एक रूल के मैं क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि बॉयज लोग मैं करा चुका हूं, 400 से स्टार्ट करने हैं और आफ्टर दैट हर एक लोग के ऊपर जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।